हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। सीडीएस के एग्जाम 1 सितंबर को, जिसमें 2-3 दिन ही बचे हैं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीडीएस की लेटेस्ट कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में, और एक बात करेंगे कि सीडीएस में एग्जाम डे वाले दिन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको नहीं पता है कि 11 से 12 क्या करना है और 2 से 3 हमें क्या करना है। क्या वहीं बैठे रहेंगे हम 9 घंटे तक लगातार एग्जाम देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, एग्जाम डे वाले दिन क्या होता है। अब 8 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाएं, बहुत अच्छी बात है। 8 बजे से लेट मत करिए बिल्कुल, ठीक है। ऐसा निकलिए घर से कि 8 बजे तक पहुंच जाओ। फिर 8 से 8:30 तक आप लोग रिलैक्स फील करने की कोशिश करिए। एग्जाम सेंटर पे आपका मन है पढ़ने का, पढ़िए। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जाम सेंटर पे जाके नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, ठीक है। फिर 8 से 8:30 के बाद में आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर लेट होते हैं तो 8:30 पे आप एंट्री लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा लेट मत करिए, ठीक है। 8:30 बजे आप लोग बैग जमा करेंगे, अपना फोन वोन वो सब सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड और ब्लैक पेन, केवल इसके अलावा कुछ नहीं। आप फट्टा ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, कई जगह अलाउ नहीं करते हैं। आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, वो भी ब्लैंक होनी चाहिए बिल्कुल, और आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि 2 घंटे आप वहां पे डिहाइड्रेशन हो सकता है आपके साथ में, मतलब प्यास तो लगी आती है, नॉर्मल सी बात है, तो वाटर बॉटल जरूर लेके जाइए, ठीक है। फिर 9 से 11 क्या होता है, आपको पेपर दिया जाएगा 9 बजे से पहले, ठीक है। पेपर नहीं, ओएमआर सीट दी जाएगी, वो आपको फिल कर लेनी है। पेपर जो मिलेगा आपको करेक्ट 9 बजे मिलेगा, घंटी बजने के बाद में ही, तभी वो लोग बांटना स्टार्ट करते हैं। आपको पीछे बैठे हैं तो आपको आधा मिनट लग जाएगा लेट में, पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ओएमआर सीट पे कैसे फिल करने हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेपर है, तो मैं ये वाला पेज पूरा सॉल्व करूंगा, ओएमआर पे भरूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आए उनको नहीं आए, ठीक है। दूसरा पेज सॉल्व करूंगा, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आए ठीक है बात के लिए रखूंगा, और ओएमआर सीट पे भर दूंगा। ऐसा भी नहीं करना है कि हर क्वेश्चन सॉल्व करा फिर ओएमआर उठाई उसको फिर भरे, क्वेश्चन सॉल्व करा ओएमआर उठाई, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। और ना ही पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, उसमें क्या है कि एक भी अगर बीच में गड़बड़ कर दिया ना आपने तो लेन से सारे गलत हो जाएंगे, ये गलती मत करना। पेज सॉल्व करो और तमीज से आराम से जितनी भी लेट लग रहा है ओएमआर सीट को भरो, ठीक है। कई लोगों का डाउट आता है कि पेन कौन सी ले जानी है, मोटे पॉइंट की पेन ले जाओगे अगर आप तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश और जीएस में आप ये चीज फॉलो कर सकते हैं कि मोटे पॉइंट की पेन ले जाए। पेन आप अपने फेवरेट जो भी चाहिए वो ले जा सकते हो, पेंटोनिक की पेन अच्छी आती है, एक्सो की पेन भी अभी काफी अच्छी चल रही है। तो 9 से 11 आपको एग्जाम इस तरीके से सॉल्व करना है। ब्लैक पेन की जगह पे ब्लू पेन बिल्कुल मत ले जाइए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़का ब्लू पेन लेके आया था और उसने सारे टिक मार दिए थे। उसने सर से दोबारा से ओएमआर सीट मांगी बट उन्होंने नहीं दी। ऑब्वियसली नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग पहले से ही फिल करवा लेते हैं कि आपकी ओएमआर सीट नंबर ये है, एग्जाम नंबर पेपर नंबर ये है और इस पे आप फिल कर रहे हैं, तो जब वो ऐसे चेंज नहीं करते। फिर उसने ब्लैक पेन से ही ऊपर कर रखा है, अगर आप ब्लू पेन से करते हैं तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पता नहीं आगे उसके साथ में क्या हुआ होगा, ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर उसने उसी के ऊपर ब्लैक पेन से करा था, ठीक है। तो आपको ब्लैक ही ले जानी है, ब्लू ले जाने की गलती करिए मत जब उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। सेकंड चीज, आपको 9 से 11 बजे तक आपके हाथ से वो लोग ओएमआर सीट छीन ले जाएंगे, पेपर आपके पास में रहेगा, पेपर पे आप टिक लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर मना करता रहेगा, आप बेशर्मों की तरह कोशिश करिए थोड़ा बहुत लगा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि बाद में आप चेक कर सकें, छोटे से पॉइंट तो लगा ही सकते हो, ठीक है। 11 बजे जब आपको वहां पे बैठे नहीं रहना है, टीचर भी निकल आएगा और आप इन्विगलेटर बोलते हैं उसे, वो भी निकल जाएंगे और आप सब लोग भी निकल आएंगे, और 11 बजे से 11:50 तक के टाइम में 11:45 बजे तक आप लोग बाहर कॉलेज के बारे में जो भी बिच रहा हो वो सब खा सकते हैं। कोशिश करिए फल फ्रूट्स खाएं, क्योंकि एनर्जेटिक रहते हैं और फालतू की चीजें ना पिए, पानी पीते रहें, बोतल लेके जाएंगे वेरी गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बोतल तो एग्जाम सेंटर में भी लेके जानी चाहिए आपको, ठीक है। फिर 11:45 के बाद में फिर से आपको 10 मिनट पहले तक एंट्री होती है, उसके बाद में एंट्री क्लोज हो जाती है, तो कोशिश करें 11:45 तक आप फ्री हो जाएं, और वो कि आपको अगर चिंता होगी तो आप ऑब्वियसली अपने आप ही फ्री हो जाएंगे। अंदर जाएंगे 12 से 2 फिर से एग्जाम देंगे, उसी स्ट्रेटेजी के साथ में जीएस का पेपर देंगे, और जीएस में ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोग एक घंटे में पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जीएस में, क्योंकि आता है या नहीं आता है सिंपल रहता है। 2 से 3 के टाइम पे ना आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, उस टाइम पे आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बचा के रखनी है, ध्यान रखिए, ठीक है। 2 से 3 के टाइम पे आप जूस पीजिए, जो भी करना है वो करिए, व्हाटएवर, ठीक है। 2 से 3 के बाद में फिर क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जैसे 5-6 क्वेश्चन लगातार नहीं आए मैथ के, गड़बड़ हो जाती है भाई। गड़बड़ क्या हो जाती है यार, उस टाइम पे होती है कि एक तो माइंड फिर हमें खुद ही लगने लग जाता है कि माइंड काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, और ऑब्वियसली ये बात सही है बिल्कुल, उस टाइम पे बिल्कुल पूरे तरीके से थके हुए होते हैं, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन नहीं कर रहे, अपने आप को रिलैक्स करिए, आधा मिनट का टाइम दीजिए और पीछे से पेपर को सॉल्व करना चालू करिए।
बाई चांस की बात है कि पीछे से भी पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, अगला पेज पीछे से फिर से सॉल्व करना है और सारे करते जाने हैं। जहाँ से भी आपको लगे कि ईजी है, वहाँ जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और टिक लगाते रहिए। मैथ्स में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी छोड़ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपने मेंसुरेशन पढ़ी ही नहीं है, मान लेते हैं नहीं पढ़ी है, और उसका क्वेश्चंस आपको दिखा और आप पढ़ने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। जब आपने पढ़ी ही नहीं है और आपको पता है कि मैं ये वाले क्वेश्चंस कर ही नहीं पाऊंगा, तो उनको मैं सबसे बाद में क्यों ना पढ़ूं, ठीक है। और बाकी सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कथन वाले, कि कौन से कहेंगे कौन से दो हैं, उनको भी सबसे लास्ट में ही रखना है। पहले बार में आप ऐसे करके चलना है कि क्वेश्चन बन देखा आ रहा है ठीक है नहीं आ रहा, तुरंत दूसरे पे जाना है, तुरंत दूसरा क्वेश्चन देखा ठीक है आ रहा है नहीं आ रहा, तुरंत तीसरे पे जाएंगे और जो आ रहा है वहीं की वहीं पे सॉल्व करा। टीचर बोलता है पीछे काम दिया है नहीं, जो जब तक सामने बैठा है तब तक देखो, नहीं तो वहीं की वहीं पे सॉल्व करो, बेर बेर हम पीछे नहीं जाएंगे सॉल्व करने, ठीक है। वहीं पे कोशिश करनी है, टिक लगाना है अपना और आगे बढ़ते जाना है। कोशिश करनी है कि आप पहली बार में ही कम से कम 70-80 क्वेश्चंस, 70-80 तो ज़्यादा बोल दिया, 60 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे को ये 40 जो है फिर दोबारा से देखते हैं। एक घंटे में कोशिश करिए कि आपके 35-40 क्वेश्चन सही हो जाएं। एक घंटे में 35-40 तो आप सोच रहे होंगे नंबर ही आ जाए हमारे बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ शुरू के एक घंटे में 35-40 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे वेरी गुड रहेगा। बाकी के एक घंटे में आप लोग ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करेंगे तो कौन कौन से नहीं आ रहे हैं मेरे को, और वो वाले क्वेश्चन तो आपको एक बार में ही स्किप कर देने हैं जो आप कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में पहले ही पता चल जाता है कि जे तो नहीं कर पाएंगे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी इससे मेरी बात ये नहीं है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है और उसके 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं भाई, फिर उसमें 5 मिनट लगा के आप अगर 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक गाइस, आपको टेंशन बिल्कुल मत लेनी है उस टाइम पे ना, अपने आप को ऐसे बिल्कुल मत समझना। देखो जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं और हम सोचते हैं बस हो गया पेपर, अब क्या आया 5 मिनट बची हैं क्या ही कर लूंगा, 2 नंबर से कट ऑफ क्लियर रहने से रह जाती है, पता है आपको। आप लोग उस टाइम पे 5 मिनट में अगर 2 सवाल को सॉल्व कर देंगे ना जल्दी जल्दी, 5 मिनट में 2 सवाल तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी उस टाइम पे हार नहीं माननी है, जो आपको 2 घंटे पूरे मिले हैं पूरी ताकत लगा देनी है, ठीक है। और पानी वानी के लिए बीच में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग वैसे जाने भी नहीं देते, बट अगर जाने भी दें तो भी जाने की जरूरत नहीं है, पानी की बोतल लेके जाइए, ठीक है, पूरा फ्रेश फ्रेश हो जाइए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, वरना मैं इस पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने बड़ी ही प्यारी सी कट ऑफ बना रखी है आपके लिए, मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक साइड में आपको दिख रहा होगा CDS 2023 की कट ऑफ, CDS 2024 जो अभी लेटेस्ट हुआ है उसकी कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, तो वह मैं नहीं बता सकता। लेकिन CDS 2023 में अगर आप IMA देखोगे तो 127, AFA 136 और INA 110 गई है और OTA 104 गई है। अगर आप OTA की लेटेस्ट कट ऑफ देखते हुए जाओगे तो 2021 से 107, 102, 100, 98, 101, 104, यानी कि 107 जो है हाईएस्ट गई है 2021 की। आई हो सकता है वहां पे एग्जाम सरल आया हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कि GS सरल आई हो या इंग्लिश का पेपर सरल आया हो, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको 110 जो है OTA के लिए एक आपका सेफ स्कोर हो सकता है। अगर पेपर टफ आता है तो फिर वही कट ऑफ 98 पे भी जा सकती है, 95 पे भी जा सकती है, 100 से नीचे जा सकती है, क्लियर। IMA की बात करेंगे तो वहां पे 127, 132, 126, 136, 138, 145 जो कि CDS 2021 की बात हो रही है, और वहां पे तो क्योंकि पेपर इजी आया था इसलिए AFA की कट ऑफ भी देखिए 158 है 2021 में उस टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पे आपको टारगेट 140 तो आपको लेके चलना ही है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वाला 2023 देखें 127 कट ऑफ गई है, और ठीक है वहां पे आपको जो है 140 का आपको लिमिटेड टारगेट रखना चाहिए। और 140 लाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, 3 पेपर में अगर आप एक पेपर में अभी अच्छे नंबर ले आए ना 70+, तो बाकी के 2 में 70 लाने आपको आराम से ले आएंगे। AFA के लिए आपको 150 सेफ स्कोर रखना है, कट ऑफ आप देख सकते हैं 136, 142, 136, 147, 148, 158, तो 150 तो आपको रखना ही चाहिए मिनिमम। और INA का भी आप देख सकते हैं 130 के अराउंड रहता है, लेकिन लेटेस्ट वाले 110 गया है जो काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए, लगभग आप देखेंगे 17 मार्क्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी आपको 130 जो है आप सेफ स्कोर समझ सकते हैं INA के लिए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, और आपने जितनी पढ़ाई कर ली हो उसको उसी को आप पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली रिवाइज कर रहे होंगे, लास्ट के फालतू के चक्करों में ना पढ़े, और अपने सिलेबस को अगर आपने समेट लिया है तो एक बार फिर से समेटें, और जैसे भी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक गाइस, इस बार आपको फोड़ के आना है एग्जाम में, और प्लीज क्लियर करके एक कमेंट जरूर करना कि मैंने क्लियर कर लिया, वाओ बेस्ट ऑफ लक।